Assalamualaikum, my lovelies. Welcome to another vlog on Kamal's World. How are you all? I hope everybody's okay. So today's vlog is going to be about shopping. So I'm going to Jallianwala today. And before that, I'll show you a few bits जो कि हम घर में कर रहे थे. तो this was Hadi and Huzaifa for cleaning the house. And she is using इसको क्या कहते हैं, भाड़ी बोकर झाड़ू, इसको झाड़ू कहते हैं. तो ये वो कर रही है और ऐसे करती है जैसे इसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है. और ये था अफ्तारी का टाइम और वी मेड पोटैटोस एंड दिस वाज द फाइनल लुक. आई थिंक ऑयल में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे गाइस, बट दे आर लुकिंग नाइस. सो एंड दे वर यम्मी, एवरीबॉडी लव्स देम. एंड देन वी डिड अफ्तारी, वी हैड वाटरमेलन एंड वी हैड मेलन एंड पोटैटोस एंड जस्ट अ फ्यू पीपल एट होम. भाई थे, शान थे, बच्चे, मैं, आपी एंड छोटी सिस्टर. तो ओनली अ फ्यू पीपल, सो दिस वाज मोर देन इनफ फॉर अस. तो हमने अफ्तारी की और आपको मैं ड्रिंक दिखाती हूँ जो कि बहुत मज़े का रिफ्रेशिंग ड्रिंक. ये देखें, इसमें रूह अफज़ा है और इसको कहते हैं आई थिंक तुखमलंगा. तो वो भी था उसमें. सब कहते हैं कि रिफ्रेशिंग है लेकिन आई डोंट नो. तो That's it. Bhai loves it. So, unke liye to tha hi. And guys, this was Sehri ka time. And I can't tell you ki kitna scary tha. Ek to lightning ho rahi thi. Aap dekh sakte hain ki lightning kitni ho rahi thi. Upar se badal jo hain wo garaj rahe the. Aur aise garaj rahe the ki main explain nahi kar sakti ki it was so so loud ki I got scared. And end pe ye hua ki hum sab apne apne rooms mein bhaag gaye. और आपको मैं अभी सुनाती भी हूँ कि कितना लाउड था. जी फ्रेंड्स, तो वी आर गोइंग जलियांवाला और रास्ते में ये हो रही थी गंदम की कटाई. आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, पकी हुई है पूरी और इट्स नाइस एंड गोल्ड. एंड अब जो है इसकी कटाई हो रही है. तो पंजाबी में कहते हैं वाडी. तो गाइस, वाडी हो रही है. एंड दिस वाज बचियाना. मुझे बहुत वो था, शौक हो रहा था बचियाना देखने का क्योंकि इट्स बीन एजेस मैं नहीं आई. और दूसरी साइड से भी जा सकते थे हम जलियांवाला, बट आई सॉ तुशान के मैंने बचियाना देखना है. तो वी वेंट थ्रू बचियाना. इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, मेमोरीज थी जो कि वी हैड, यू नो, मैंने देख लिया फिर से एंड इट वाज रिफ्रेशिंग. एंड नाउ वी आर इन जलियांवाला और वी आर एंटरिंग इन जलियांवाला और अभी हम जाते हैं शॉपिंग के लिए. और ये है गाइस, ये ज्वेलरीज गोल्ड की शॉप्स हैं ज़्यादा इस बाज़ार में. तो वी आर क्रॉसिंग दैट. तो गाइस, हुआ ये कि मास्क पहना हुआ था, ऊपर से था रोज़ा और जो मुझे लगी प्यास क्योंकि इट्स सो हॉट इन पाकिस्तान. यू गाइस कैन इमेजिन, इट्स रियली हॉट. एंड वॉकिंग एंड शॉपिंग इन दिस बिजी एरिया वाज अ मिशन. तो वी डिडंट रियली हैव मच टू डू. जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने सारी ले ली. एक यानी कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ा, फ्यू शॉप्स पे ही जाना पड़ा और हमारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई थी. लेकिन फिर भी आई वाज सो थर्स्टी एंड इट वाज हॉट and I was shattered basically, but it was phir bhi fun tha. Aur hamari shopping ho gayi, ghar aake jab cheezein dobara dekhi to maza bhi aaya. Aur ye guys shop thi cosmetics ki shop aur yahan se humne kafi shopping ki. Aur abhi main aapko sunati hu ki ye jo bhai log hain ya jo shopkeepers hain ये किस तरह आपको ना बोलते हैं कि ये चीज़ ले लो. और उनका जो तरीका होता है आपको चीज़ सेल करने का, इट्स अनोइंग फॉर द कस्टमर्स
लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जो शॉपकीपर्स हैं उनको उन्होंने तो सेल करना होता है, तो वो तो इस तरह की बातें करते ही हैं। बट आप देखना कि वो किस तरह हमें ट्राई कर रहा था नजर तो नहीं आ रहा कि ये ले लो आप, यानी कि हमने नहीं लेना, लेकिन वो बात इस तरह कर नजर रहा नहीं आ था कि रहा आप ले ही लो, आपके लिए अच्छा है ये। नहीं ये नहीं है, बाइसिकल लेना है, किसका रिवाज क्या है, कौन सी कंपनी का, ये बताए ना, आई डोंट का नो, लेगा मिल्की वाइट में, कंपनी नहीं बता। असल में ना आपकी आप मिल्की वाइट में काफी कंपनी का नाम लगे है जी, आई को इतना ही पैसे आप ना ये डर्मोशन का यूज करके देखिए कितने का है ये, इसका प्राइस की 130, चलो ठीक है 100। नहीं नहीं एक नहीं देना, और कितने लेना, तीन दे, तीन चार कर देना अभी। अच्छा मैं समझ में फिर लेना है, चार करनी है, चार को अपने अपने लिए लेना है जी, अपने लिए ले रही हूँ ना। और रेजर, रेजर रेजर ये देखिए, नहीं ये इनमें से कोई नहीं है वो, ये एक बार मेरे कहने पे आप यूज करके देखना, आपको अच्छा ना लगे कार्ड ले जाना चौक का, मुझे वापस दे देना, ये डर्मोशाइन ब्रांड है, ये लोकल नहीं है, लेके गए थे वो दे देंगे है, आमने वो आमला का लेना है और क्या लेना, उसके अलावा लेजर, लेजर भी लेके आई मामू को, ले आ करके मामू को लेजर भी ले आ जाके। वो जो ब्लू लेडी है उसकी प्राइस क्या है, 650, वो भी दे दें, परफ्यूम भी और बॉडी। हाँ जी आप सुन ना करते, आप भी ले लो प्योर है, ठीक लग रही है, एक बार ये यूज करके देखते हैं ना, आप वो मिल्की को बोल, वो मुझे नाइस लगती है वो ठीक है, ये जो सी पार्लर वाली है ये डेमो शायद यूज कर जी, हाँ जी ये वाला लिया 151 की प्राइस है, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये गाइस इनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी थीं, और ये गर्ल्स जो हैं अब ईद आएगी इंशाल्लाह तो फिर लेंगी, और इनकी बहुत प्यारे डिज़ाइंस वगैरह थे तो बहुत बिकेंगी भी। और फिर गाइस हम शू शॉप पे आ गए, यहाँ से मैंने अपने आपी और हादिया के लिए शूज़ लेने थे, मेरे और आपी के मिल के, लेकिन हादिया के जो हैं वो नहीं मिले तो हमने उसके लिए सैंडल्स ले लिए। आई थिंक इट्स फाइन, और की फायदा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लोइंग इन द फ्रंट, ठीक है ठीक है ना। हाँ जी अच्छा 14 नहीं जानेंगे जी, 1400 का ठीक है ना, वो दूसरी वाइट वाली नहीं है, हां जी सर इसकी 100 की कम से कम 1200 होगा, हां ये पिंक वाली कोड़े है बेस वन देन टू ये पूजा अगर तो हम का अटाउट है मैं नहीं फिर निशान से जूते में पड़े तो ये ब्लैक में पड़ा है फिर हम ये टेलर अंकल के पास आए जिन्होंने मेरे कपड़े गुम कर दिए हैं, और उनको पूछने आए कि मेरा सूट जो है वो कंप्लीट करके दें, अभी 2 दिन का टाइम लिया है उन्होंने, कहते हैं कि 2 दिन में फाइन कर देंगे, तो गाइस प्लीज़ विश मी लक एंड आई होप आई फाइंड माय ड्रेस। पुनिया हाथ चलाना जी, चलो
फिर गाइस यहाँ से मैंने अपने लिए कैचर लिए, हादिया के लिए लिए कुछ पोनीज बिकॉज वापस जाके उसने स्कूल जाना है, तो मैंने उसके यूनिफॉर्म के साथ मैचिंग कुछ नाइस प्यारी सी पोनीज ली और दैट्स इट. मेरी शॉपिंग वाज कंप्लीटेड. आई जस्ट हैड टू बाय सम स्कार्फ जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी भी अपनी शॉपिंग. स्कार्फ लिए एंड देन वेंट होम. बट बिफोर दैट गाइज वी हैड अ ट्रेजेडी. हमारी टायर, गाड़ी की टायर जो है वो पंचर हो गया और वी वर स्टक. सो एज यू कैन सी शान इज स्टैंडिंग देयर ऑन द फोन एंड टायर जो है वो है फ्लैट. तो वी हैड टू डू समथिंग अबाउट दैट. शान ने उसमें जो है वो उसको ठीक किया एंड देन वी वेंट होम. जी गाइस, तो वी केम होम और ये है हादिया की डॉल. शी गॉट अ डॉल एंड वो अपनी डॉल के साथ बिजी थी. और ये देखें, शॉपिंग देखने का अपना ही मज़ा है. मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया. और हादिया के लिए तो सैंडल्स ही मिले. मेरा दिल तो ट्रेनर्स लेने का था, लेकिन हुआ ये कि वो कह रहे थे कि सीज़न नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी है, तो उस हिसाब से सैंडल्स वगैरह मिल सकते थे, ट्रेनर्स नहीं मिले. तो मैंने सैंडल ही ले लिए और ये मुझे क्यूट लगे. दूसरे यहाँ पे फैंसी वगैरह थे और वो इतने नाइस नहीं थे, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे और मैंने नहीं लिए. ये मेरे हैं. मैं आपको एक सही तरह से चीज़ें रख के फिर आपको दिखाती हूँ. देखिए कितने प्यारे हैं मेरे सैंडल, वेरी नाइस. गाइस ये कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है. ये मेरे बेसिकली जो मैंने कुर्ते पहन के जाने हैं ये उनके साथ मैंने मैच किया है. दो कुर्ते हैं और दोनों के साथ ही जाते हैं. तो मैंने पहन के जब शॉप पे भी देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे. तो अब मैं आपको सही तरह से चीज़ें रख के दिखाती हूँ. तो गाइस ये देखें, ये मैंने अपनी आपी के लिए लिए, वो मेरे हैं और फिर हादिया के हैं इसके साथ. आपी के लिए मैंने वाइट चूज़ किए थे लेकिन उनमें अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द साइज़. तो फिर मुझे ब्लैक भी नाइस लगे इसलिए मैंने ब्लैक ले लिया बिकॉज़ आई थिंक ये डिज़ाइन प्यारा है. और ये मैंने गुची सैंडल्स चप्पल अपने नेफ्यू के लिए ली है. इट्स रियली नाइस, आई थिंक उसको अच्छे लगेंगे. और ये एनिमल्स, क्योंकि हमने होटल क्वारंटीन करना है तो हाँ, हुज़ैफ़ा को जो है बिज़ी रखने के लिए कुछ तो चाहिए. और ये गाइस मेरी नॉर्मल चीज़ें, रूटीन टॉयलेटरीज जो कि मैं आम यूज़ के लिए रखती हूँ. और ये जो मेरे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कार्फ्स जो कि मेरे कुर्तों के साथ जाते हैं. तीन कुर्ते लिए मैंने और उनके साथ ही स्कार्फ मैंने मैच करके लिए हैं. तो ये था गाइस मेरा आज का व्लॉग. अभी इंशाल्लाह फ्राइडे को हमारी वापसी की फ़्लाइट है, अल्लाह पाक खैर रखें. थर्सडे हमने जाना है कोरोना टेस्ट के लिए. तो गाइस प्लीज़ प्रे फॉर मी कि इस दफ़ा हम खैर से चले जाएं अपने घर वापस. तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर माई अपकमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. खुश रहें गाइस और अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे. नेक्स्ट व्लॉग्स मेरे होंगे कोरोना टेस्ट के लिए जाने वाले और उसके बाद जो है एयरपोर्ट एंड होटल क्वारंटीन. तो प्लीज़ गाइज़ कीप वॉचिंग और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.